अनुराग, आप देख रहे हैं एंटी नेशनल। आवारा पशु मुक्त खांसी बनाने व शहर को साफ सुथरा रखने के नगर प्रशासन के दावे फैल हो गए हैं। शहर के कोने कोने पर गंदगी के ढेर व गंदगी के ढेरों पर बैठे आवारा पशु दिन प्रतिदिन शहर में बढ़ते जा रहे हैं। शहर में किसी भी गली मोहल्ले चौक चौराहे पर नज़र दौड़ाने से बस दो ही चीज़ें आपको नजर आएंगी, या तो गंदगी का ढेर या फिर सड़कों के बीचों बीच दुर्घटना को दावत देते आवारा पशु। ऐसा ही नज़ारा आज हमने शहर के न्यू सुभाष नगर कॉलोनी में देखा, जहां दर्जनों की तादाद में आवारा पशु घूम रहे थे और चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ था, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। नगर परिषद के अधिकारी और SDM साहब ने पिछले दिनों एक बयान जारी करते हुए कहा था कि हमने शहर में एक नंदीशाला बनवाई गई जिसमें शहर के तमाम आवारा पशुओं को रखवाया गया है। SDM साहब और नगर परिषद के ये दावे बिल्कुल बेबुनियाद थे। हाँ, कुछ हुआ तो शहर में आवारा पशुओं की तादाद जरूर बढ़ी और साथ ही शहर में गंदगी भी बढ़ी। प्रशासन मुर्दाबाद, पशु मुक्त मुर्दाबाद, पशु मुक्त मुर्दाबाद, खासी प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। ऐसे है जी, ये जो पशुओं के बारे में कतरा के बारे में मैंने पहले कई बार अवगत करा चुका हूँ नगर परिषद अधिकारियों को, SDM महोदय को, और मैं CM विंडो पर भी डाल चुका हूँ पहले, कम से कम 1.5 महीने पहले, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद दोबारा आज फिर CM विंडो पर डाल दी मैंने, परंतु CM विंडो तो मैंने ऐसा लगे नाम मात्र नाम है, कोई सुनाई नहीं होती CM विंडो पर आम व्यक्ति की, कि कोई किसी प्रकार से कोई अपनी समस्या रख दे और उस पर समाधान उसका हो जाए। हमारे मोहल्ले में साफ सुथरा सफाई रहे। हाँ, यहाँ 12-13 गाँवों का आना जाना भी है, यहाँ एक्सीडेंट इतने होते हैं, जब एकदम ये सांड घुड़ते हैं तो गाड़ियाँ गए एकदम भाज भाज के भिड़ते हैं, बहुत गाड़ियाँ नुकसान हो रही है, बहुत काफ़ी मनुष्यों को भी चोटें लग रही, तो इस करके हम परेशान हैं। आप लोगों से निवेदन, आप सरकार से अवगत कराएं कि यहाँ पशु आवारा पशु और कचरा इतना है कि इनसे हमने मुक्ति दिलाई जाए। जयवीर सियाग, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि व इनेलो नेता हांसी। इस मामले में SDM राजीव अहलावत से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आवारा पशुओं के लिए हमने नंदीशाला बनवाई थी, लेकिन ग्रामीण गांव से रात के अंधेरे में इन आवारा पशुओं को शहर में छोड़ जाते गए, जिसके चलते शहर में आवारा पशुओं की तादाद बढ़ी हुई है। साथ ही शहर की सफाई को लेकर बोले कि जल्द ही इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। हमने नंदीशाला बनाई थी, जिस टाइम शहर में पशु नहीं थे, लेकिन जब गाँव वालों को पता लग गया कि हसी में जो है पशुओं को नंदीशाला में डाला जा रहा है, तो वो गांव वाले रात को और जब भी उनको मौका मिला यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। इसी कारण ही शहर में जो पशु हैं वो बचे हुए हैं। जहाँ तक बीमारी की बात है, बीमार पशु होते रहते हैं तो उनका इलाज भी किया जा रहा है, जो आप बता रहे हो उसको भी चेक करवा के उसका इलाज करवाया जाएगा। कल ही तबादला हुआ है, आपको पता है नया युवा आ जाएगा, लेकिन जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक तो जो मेन रोड है बीच का अपना, इसके सारा ही टूटा हुआ है, टूटा हुआ कारण गंदगी कम है, लेकिन ये टूटा हुआ कारण ज़्यादा गंदगी दिखाई देती है चारों तरफ से। जो मेन रोड शहर के जो मेरे हैं, जो अपने काउंसलर्स ने जो है उसको बनाने के लिए डिशा को लिखा हुआ है, अगर वो 500 रोड बन जाए और ये मेन शहर का रोड बन जाएगा तो गंदगी का इतना नहीं रहेगा। ANT नेशनल ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही।